उनकी रस्में कुल जुमे की सुबह 11 बजे पेशावर में हरा गुजारी। विफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने सिफवत गयूर के लिए सितारा शुजात का ऐलान किया है। सिफवत गयूर की आखिरी रसूम में सूबह खैबर पख्तूनख्वा की आला सियासी और अस्करी क्यादत ने शिरकत की। सिफवत गयूर की खिदमात का एतराफ करते हुए वजीर दाखिला रहमान मलिक ने उनके लिए सितारा शुजात का ऐलान किया। गवर्नर अवैस अहमद गनी ने एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का इरादा किया। सिफवत गयूर बुध के रोज पेशावर में एक खुदकुश हमले में जमाहत हो गए थे। गुजश्ता रोज पेशावर में दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में एफसी कमांडेंट सिफवत गयूर जमाहत हो गए थे। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने एफसी कमांडेंट सिफवत गयूर को सितारा शुजात देने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि सिफवत गयूर एक बहादुर अफसर थे। उनके बारे में मजीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिफवत गयूर 14 जुलाई 1959 को पैदा हुए। उन्होंने 3 सितंबर 1981 को पुलिस सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस, एफसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो में अहम ओहदों पर रह चुके थे। वो ग्रेड 17 में एसपी मर्दान सिटी रहे। इनकी तैनाती असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अफसर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी बाड़ा में हुई। ग्रेड 18 में वो एसपी पिशावर और एसपी कोहाट रहे। उन्होंने बतौर एसएसपी पिशावर में खिदमत अंजाम ली। इसके बाद वो डिप्टी कमांडेंट फ्रंटियर रिजर्व पुलिस तैनात किए गए। ताहम बाद में वो पंजाब में बतौर एसपी काम करते रहे। पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक 10 साल पहले सिफवत गयूर जिला मर्दान के पुलिस सरबरा की हैसियत से एक मशहूर दारू मनाफ के खिलाफ खुद ऑपरेशन में शरीक थे और जख्मी भी हुए। उनका शुमार पुलिस डिपार्टमेंट में एक जिम्मेदार अफसर के तौर पर होता था। वो गिलगित में आईजी पुलिस और आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वादे रहे कि सिफवत गयूर सरदार अब्दुल रब नश्तर के पोते थे, जबकि मौजूदा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ओएस अहमद गनी के कजन और आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ के ब्रादर नस्बती हैं। अलीना शमीम, डॉन न्यूज़।